भोजपुरी सुपरस्टार और बीते जमाने के एक्टर कुणाल सिंह के एक्टिंग का हर कोई कायल है। उन्हें भोजपुरी दुनिया में अभी भी बहुत सम्मान मिलता है और कुणाल ने अब तक 110 भोजपुरी फिल्मों में काम किया है। इन्हें बीते जमाने के एक्टर जितेंद्र के हमशक्ल के रूप में भी याद किया जाता है। आज भी ये भोजपुरी फिल्मों में काम करते हैं और भोजपुरी फिल्मों को बढ़ावा देने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। कुणाल ने आरती भट्टाचार्य से शादी की है और आरती खुद बंगाल की बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है। आरती ने शादी के बाद फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। आरती और कुणाल सिंह का एक बेटा है जिनका नाम है आकाश सिंह। आकाश ने जब अपने करियर की शुरुआत करने की सोची तो उन्होंने भोजपुरी फिल्मों में अपना करियर बनाना उचित नहीं समझा। उन्होंने बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमानी चाहिए और 2013 में उन्होंने फिल्म साइन की ब्लडी इश्क, इसमें उनके अपोजिट थी सीरियल दिल मिल गए की रिद्धिमा यानी की शिल्पा आनंद। ये फिल्म कब आई और कब चली गई किसी को पता ही नहीं चला। आकाश एक सुपरहिट करियर बनाने के चक्कर में नाकामयाब हो गए। वैसे आकाश एक पहले उदाहरण नहीं है जब एक सफल पिता का बेटा उसी फील्ड में असफल साबित हो। उदाहरण के तौर पर क्रिकेट में सुनील गावस्कर का बेटा रोहन गावस्कर और बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन, ये सभी अपने पिता से कम ही कामयाबी हासिल की है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।